हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी इस कोरोना महाकाल हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इज इकोनॉमिक्स। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए मैं, व्हाट इज इकोनॉमिक होलिका दहन एंड होली 2020। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार से होलिका दहन एंड होली की हार्दिक विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी होलिका दहन एंड होली टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी। ओके मैसेज। तो अब हम अपने टॉपिक, व्हाट इज इकोनॉमिक होलिका दहन, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मैसेज होलिका दहन क्या है। होलिका के एक दिन पहले होलिका जलाया जाता है, लकड़ी उकड़ी पुआल बना के इसमें प्रहलाद और होलिका माता को बैठाया जाता है, जिसमें जलाया जाता है और जिसमें ये मान लिया जब होलिका जलता है तो होलिका माता जल जाती है लेकिन प्रहलाद जी बच जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद जी बच जाते हैं क्योंकि उन पर विष्णु भगवान की आशीर्वाद था। चूँकि होलिका माता को भी वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल पाएंगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, विष्णु भगवान की कृपा से वो जले क्योंकि यहाँ पर अच्छाई पर अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। यानी होलिका हम इसलिए मनाते हैं हर वर्ष होलिका दहन, क्योंकि होलिका अच्छाई पे, बुराई पे अच्छाई की जीत, और जस्ट इसके एक दिन बाद होली हम लोग मनाते हैं। तो अब हम लोग तो ये होलिका, यानी होलिका इसलिए ये क्या है, बुराई पे अच्छाई की जीत का। अब इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, होलिका दहन होने से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और जब बुराई पर अच्छाई की जीत होगी तो मार्केट में काम अच्छे होंगे, और जब मार्केट में काम अच्छे होंगे तो मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जब मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो मार्केट में इनकम भी जनरेट होगा, और जब इनकम जनरेट होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, और जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलती रहेगी, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेविंग्स में प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन। ओके मैम, तो हम कह सकते हैं होलिका दहन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके मैम, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक होलिका दहन। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विषय मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ने सीख रहे हैं, आगे बढ़ने दिन दूरी ना चौकड़ी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रेडी, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी लगते हैं बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े, और मेरा मनोरथ आपके लिए, आप इसमें सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तुलना, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डस नेवर गेट्स। ओके मैम, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टाइप से मजे एप्लीकेशन टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर। सो वंस अगेन विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी होलिका दहन एंड होली इन एडवांस टू यू एंड योर फैमिली ऑन वाफ। ओके मैम, हर हर महादेव, हर हर। सो वंस अगेन विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी वेरी हैप्पी संडे होलिका दहन एंड होली इन एडवांस to you and your family on behalf of my, okay my sir, har har mahadev, har har mahadev।